तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो जहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में छोड़ा था वो बड़ा हो जाता बहुत लेक्चर, तो उसी लेक्चर को मैंने बस दो पार्ट में ब्रेक कर दिया और कुछ नहीं किया। तो वहीं से मैं डेरिवेशन शुरू करने जा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपने समझ ली थी। तो जो बिल्ट इन पोटेंशियल है, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल एट इक्विलिब्रियम, जब आपने ओपन सर्किटेड डायोड को छोड़ रखा है, दैट इज नथिंग बट KT अपान क्यू ln ND अपान ND स्क्वायर। और ये KT अपान क्यू होता क्या है? VT, थर्मल वोल्टेज। अगर टेम्परेचर पता होगा तो ये आप पता कर सकते हो। तो रूम टेम्परेचर है तो 26 mV, इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। जहां NA और ND क्या है, ND इज डोनर कंसंट्रेशन या इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन या इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन ऑन N साइड, यही तो होता है डोनर के कंसंट्रेशन। NA इज डोपिंग कंसंट्रेशन ऑन P साइड और इलेक्ट्रॉन्स या होल्स कंसंट्रेशन ऑन P साइड, यही तो है। अब ध्यान से देखो NA ND। अब अगर मैं ND को ऊपर रखूं, NI स्क्वायर अपन NA को नीचे ला सकता हूं। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा। ये जो अभी डेरिवेशन कर रहा हूं, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेट करके आते हैं। अगर आपका थॉट प्रोसेस क्लियर है तो बहुत इजीली कर लोगे, नहीं क्लियर है तो नहीं कर पाओगे। ध्यान से देखना, VT ln ND, ND इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन ऑन N साइड। अब मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूं, N मतलब इलेक्ट्रॉन्स और N साइड उसको सफिक्स में लिख रहा हूं, NN मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऑन N साइड डिवाइडेड बाई NI स्क्वायर अपॉन NA क्या है? अगर NA यहाँ होल का कंसंट्रेशन है P साइड में, तो NI स्क्वायर बाई NA माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन हो गया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ऑन P साइड NP, ठीक है। इसी को मैं दूसरे तरीके से फिर से लिखता हूं, यहीं से एक डेरिवेशन करेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। NA को मैं ऊपर छोड़ दूं और NI स्क्वायर अपॉन ND कर दूं, NI स्क्वायर अपॉन ND। ध्यान से देखना, NA क्या है? NA इज नथिंग बट एक्सेप्टर कंसंट्रेशन ऑन पी साइड और होल्स कंसंट्रेशन ऑन पी साइड, क्योंकि हम इंटरेस्टेड हैं होल्स और इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन में और वो डोपिंग के बराबर होता है। तो ये क्या है, होल्स कंसंट्रेशन ऑन किस साइड? पी साइड, पीपी लिखा, डिवाइडेड बाई NI स्क्वायर अपॉन ND क्या हो गया? ND इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन N साइड, NI स्क्वायर बाई ND अगर आपने कर दिया, NI स्क्वायर बाई ND कर दिया, तो क्या हो गया, ये होल्स का कंसंट्रेशन आ गया कि नहीं, माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, N0 × P0 = NI स्क्वायर, वहां से P0 = आ गया NI2/ND। ये क्या है, होल्स कंसंट्रेशन ऑन N साइड। तो यहां से ध्यान से देखो, V नॉट कुछ नहीं होता है, VT ln, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन लेना है तो एक साइड इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन और दूसरे साइड इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन लो, ठीक है। अगर ऊपर नीचे कर दोगे तो माइनस साइन आ जाएगा बस, तो आपको आपने इस प्लस माइनस साइन के हिसाब से किया है, क्योंकि ln को अगर NP/NN कर दोगे तो माइनस साइन आ जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, किस साइड का ऊपर लेना है। तो नॉर्मली जिधर हायर साइड वाला है, तो इन N साइड का इलेक्ट्रॉन अपान P साइड का इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से होल्स ले रहे हैं तो P साइड का होल्स, क्योंकि वहां मेजोरिटी में होते हैं, और N साइड के होल, वहां पे होल कम होते हैं। ये एक इक्वेशन है। तो जब भी यहां से क्वेश्चन आएगा, देखो ध्यान से देखना, कई बार यहां तो पी और एन दोनों टाइप के मटेरियल हैं ऑन आइदर साइड, कई बार वो जंक्शन बना देंगे कि दोनों साइड एन टाइप के मटेरियल हैं या दोनों साइड पी टाइप के मटेरियल हैं, तब क्या करोगे? जैसे वो दे देंगे, जैसे मैं ले लूंगा एक जंक्शन, हमने उन्होंने बनाया, कह देंगे यहां पर ND1 ले लिया और यहां पर क्या कह देंगे ND2 ले लिया, दोनों साइड इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो आप क्या फार्मूला यूज करोगे? बहुत लोग क्या करेंगे, जैसे उन्होंने देखा था कि यहां NA था एक्सेप्टर का कंसंट्रेशन, यहां ND था इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, तो किया क्या था, NA ND/NI2, इसके अकॉर्डिंग यहां से हो जाएगा फार्मूला ND1 ND2/NI2, और जैसे ये करेंगे ये गलत हो जाएगा सीधे। तो यहां पे फार्मूला देखो, समझो इसको यूज करने का क्या तरीका है, VT, क्योंकि जो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कैसे हुआ, क्रिएट इसलिए हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होना चाहते थे N2P या होल्स डिफ्यूज होना चाहते थे P2N। क्यों डिफ्यूज होना चाहते थे? क्योंकि यहां होल्स ज्यादा थे और यहां होल्स कम थे, यहां PP थे और यहां PN थे, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा थे, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स कम थे, NN थे यहां पे NP थे। तो हमेशा कैसे निकालना है, V0 VT अपान इलेक्ट्रॉन्स लो दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन का रेशियो या दोनों साइड के होल कंसंट्रेशन का रेशियो, ऐसे लेना है NA ND/NI2, मत याद करना, दिस इज द वैलिड फार्मूला। इन्हीं की वजह से जो डिफ्यूजन हो रहा है, जब यहां पे देखो कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन का ज्यादा यहां कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां से डिफ्यूज होंगे, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा यहां पे कम, डिफ्यूजन की वजह से जो रिकम्बिनेशन होगा, जिसकी वजह से आयंस क्रिएट होंगे या उसी की वजह से बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होगा? क्योंकि ये डिफ्यूज होना चाहते हैं। डिफ्यूज क्यों होना चाहते हैं? यहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, यहां इलेक्ट्रॉन्स कम है, या यहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, और जैसे डिफ्यूज होना शुरू होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्टअप होगी, क्योंकि वो इसको काउंटर करना चाहिए, किसी आउटसाइलेटेड मटेरियल में नेट करंट फ्लो नहीं हो सकती, तो बिल्ट इन
इन इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आएगा। तो हमेशा क्या करना है, एक साइड दोनों साइड का या तो होल्स का रेशियो लो या दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन्स का हमेशा, क्योंकि उन्हीं की वजह से डिफ्यूजन या ड्रिफ्ट होता है। तो यहां अगर मैं लूंगा तो ND1/ND2, अगर ND1 ग्रेटर देन ND2 होगा तो बस ND2/ND1 करोगे, अगर ND2 इज ग्रेटर देन ND1 तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आएगा। हमें मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है, साइन में नहीं, वो तो पता ही चल जाएगा किधर ज्यादा कंसेंट्रेशन है किधर कम, तो पोटेंशियल कैसे डेवलप होगा, जैसे यहां प्लस आएगा यहां माइनस आएगा कि यहां प्लस आएगा कि यहां माइनस, लेकिन मैग्नीट्यूड तो वी नॉट ही होगा ना, अगर उल्टा कर दोगे तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा, मैग्नीट्यूड तो वही आएगा हमेशा। तो आपको मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट लेना है, तो एक साइड का इलेक्ट्रॉन यहां पे ND2 इलेक्ट्रॉन से यहां ND1, तो ND2/ND1 या ND1/ND2 कर दो, माइनस और प्लस साइन का डिफरेंस आएगा, उससे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है ना। तो हमेशा रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन और होल्स कंसंट्रेशन ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन, ये आपको लेना है कभी भी बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पूछा जाए। और इस पे आई थिंक क्वेश्चन आ चुका है और बहुत लोग गलत करके आए होंगे, और ND1/ND2/NI² के हिसाब से एक आंसर भी होगा, और उन्होंने NI इसीलिए जानबूझ के उस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्योंकि बहुत लोग यूज करें, बहुत लोग करते हैं, है ना, करके निकाल भी देते हैं आंसर। तो वो अब यहां से एक चीज और मैं डिराइव करने जा रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये छोटे छोटे जो डेरिवेशन कर रहा हूं ना उसको इन डेप्थ में इसीलिए ले जा रहा हूं कि क्वेश्चन देख के आप आंसर करोगे इजिली, बहुत इजिली। तो थियरी पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पे ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को मैं अगर सॉल्व करूं तो NN इज इक्वल टू नथिंग NN/NP, ये रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से मैं एक डेरिवेशन करूंगा जब फॉरवर्ड बायस पढ़ूंगा, ये रेशियो याद रखो e^, इसको KT/Q अगर लिख लें तो QV0/KT है ये, इसी तरह से इसको भी करोगे तो PP/PN भी यही आएगा। मतलब क्या है, ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को ध्यान से याद रखो, इसका यूज मैं करने वाला हूं और इस पे भी क्वेश्चन आने वाले हैं फॉरवर्ड। जब ये इक्विलिब्रियम पे ये डेरिवेशन है, मैंने ये डेरिवेशन किस पे किया है, इक्विलिब्रियम पे, तो VT/LN इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन का रेशियो या होल कंसंट्रेशन का रेशियो या ND/NI², यहां याद रखो, यहां ये वैलिड है, ठीक है, ध्यान से देखना ये इसको। The ratio of electrons concentration on either side of the junction is nothing but e^QV0/KT, जहां V naught क्या है, जंक्शन के क्रॉस जो नेट पोटेंशियल बिल्डअप है वही है। तो यहां पे V naught क्या लेना है, तो अगर रेशियो हमने के निकालना है क्या, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन एंड होल का कंसंट्रेशन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ऑन एन साइड जो यहां पे है, और एनपी क्या है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन मैं कह सकता हूं एट द एज ऑफ पी साइड मटेरियल। यहां पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन देखेंगे डिप्लीशन रीजन की जस्ट एज पे, अगर यहां पे एट माइनस XPO, अगर इसको ओरिजिन मान लें तो ये प्लस XNO है, इसको मान लें तो माइनस XPO पॉइंट है, XPO है ना, XP या माइनस XP पॉइंट है, इस डायरेक्शन में माइनस, अगर इस जंक्शन को ओरिजिन मान लें तो ये XN इधर है राइट साइड, ये XP पीछे, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, NN क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन ऑन N साइड, और NP क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन ऑन पी साइड, कहां पे, एट द एज ऑफ द डिप्लीशन रीजन ऑन पी साइड, ये एज है कि नहीं, ये एज है। यहां पे तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, यहां पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहां पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, और यहां पे पी साइड में यहां पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये एनपी ही तो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, अगर ये वाले न्यूट्रल रीजन को आप लोगे तो यहां इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, Ni²/Na, एंड दैट इज नथिंग बट NP, उसी को तो आपने NP लिखा है। तो ये इक्विलिब्रियम में यहां पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है NP, NP क्या है, इक्विलिब्रियम के केस में, और इक्विलिब्रियम के केस में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन P साइड में कितना होता है, Ni²/Na, इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ऑन N, होल का कंसंट्रेशन ऑन N साइड कितना होता है इक्विलिब्रियम में, Ni²/ND, तो ये PN और NP क्या है, Ni²/ND और Ni²/NA, ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है। ये कैसा कंसंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम रीच है तो नेट चार्ज फ्लो क्या है, जीरो, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, जितने डिफ्यूज हो रहे हैं उतने ड्रिफ्ट, तो नेट चार्ज कैरियर फ्लो जीरो। तो यहां पूरा P रीजन दिख रहा है, पूरा N रीजन, तो यहां अगर NA होल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, Ni²/NA, दैट इज NP, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे कितने होल्स हैं, Ni²/ND इक्विलिब्रियम में, और पी साइड तो पीपी है ही, ठीक है, पी साइड पीपी है। यहां से एक डेरिवेशन करेंगे, तो रेशियो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन ऑन एन साइड एंड द इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ऑन द एज ऑफ
पी साइड, ऑन द एज ऑफ पी साइड मतलब माइनस एक्स पी पॉइंट पे, ऑन द एज ऑफ पी साइड क्योंकि यहीं से इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन एनपी है, यहां से हर जगह इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन क्या है एनपी है, एट द एज ऑफ माइनस एक्स पी, एट द एज ऑफ डिप्लीशन रीजन ऑन पी साइड दैट इज एनपी, दिस रेशियो इज नथिंग बट ई टू द पावर क्यू, वोल्टेज क्या लेना है जो वोल्टेज है अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन, क्यू वी नॉट अपॉन के टी। इसी तरह से होल का कंसेंट्रेशन ऑन पी साइड डिवाइडेड बाई होल का कंसेंट्रेशन ऑन द एज ऑफ डिप्लीशन रीजन ऑन एन साइड, ये एज है ना, ये एज है डिप्लीशन रीजन की, और यहां से हर जगह कंसेंट्रेशन होल का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा पी एन हो जाएगा, एन आई स्क्वायर बाई एन डी, एंड दिस इज इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन, एन पी एन पी एन आर इक्विलिब्रियम होल कंसेंट्रेशन एंड इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन ऑन पी साइड एंड एन साइड, इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन ऑन पी साइड और एन आई स्क्वायर बाई एन एन आई स्क्वायर बाई एन डी से निकाल सकते हो। तो एन पी एन क्या है, होल्स कंसेंट्रेशन एट द एज ऑफ डिप्लीशन रीजन, एट द एज ऑफ डिप्लीशन रीजन ऑन किस साइड, एन साइड पी एन है, तो उसको लिखेंगे कैसे, क्यू वी नॉट अपॉन के टी, क्यू वी नॉट अपॉन के टी, के टी और क्यू तो कॉन्स्टेंट है, वी नॉट कौन सा लेना है, द पोटेंशियल अवेलेबल across the junction that is V naught, built in potential, या इस जो depletion region के across जो potential है that you will take here, है ना, तो ये ratio याद रखो। तो built in potential कैसे निकालना है, ratio of electrons concentration on either side और ratio of holes concentration, इससे निकालना है हमेशा, है ना, ये वाला valid है, ये मत कर देना ND1 ND2 upon Ni square या Na1 Na2 अगर आ गया तो, है ना, तो होल का लोगे तो दोनों साइड होल का कंसंट्रेशन लो, इलेक्ट्रॉन का लेना है तो दोनों साइड इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन लो, ठीक है। तो ये चीज इस पे एक इन डेप्थ हो गया, इससे मैं एक डेरिवेशन कराऊंगा, फिर क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बहुत ईजी लगेगा। तो थियरी पार्ट में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है, लेकिन थियरी पार्ट क्लियर हो जाएगा तभी तो सारी चीजें क्लियर होंगी। अब मैं इसका डेरिवेशन कर देता हूं, एक डिप्लीशन विड्थ के मैं आपका एक रिलेशन डेवलप कर देता हूं। अभी मैंने आपसे कहा था क्या, जितने यहां टोटल निगेटिव आयंस आएंगे उतने यहां टोटल पॉजिटिव आयंस आएंगे, क्योंकि एक होल गया तो एक निगेटिव आयन छोड़ के गया और आगे एक इलेक्ट्रॉन को गायब किया उस साइड, तो एक पॉजिटिव आयन। अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ए ले लूं तो ध्यान से देखना Q माइनस कितना होगा, टोटल चार्ज की बात कर रहे हैं, अब कंसेंट्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं। देखो कितना होगा टोटल निगेटिव चार्ज, Q एक आयन पे एक निगेटिव चार्ज या 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम का चार्ज। अब देखो क्या होगा, Q इंटू यहां कितने एक्सेप्टर आयंस हैं, एनए एक्सेप्टर आयंस हैं, कंसंट्रेशन की बात करूं एनए आयंस है पर सेंटीमीटर क्यूब, यही तो है एनए आयंस, एक्सेप्टर का कंसंट्रेशन यही तो है, वही एक एक एक्सेप्टर एक इलेक्ट्रॉन एक होल देके एक एक निगेटिव आयन बन गया, तो एनए होल का कंसंट्रेशन है पर सेंटीमीटर क्यूब, तो एनए एक्सेप्टर का कंसंट्रेशन है आयंस का पर सेंटीमीटर क्यूब, और यहां से होल गायब हो गए तो बचे कितने, एनए एक्सेप्टर आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर टोटल चार्ज निकालना है तो मैं टोटल आयंस निकाल लूं और हर आयन पे एक क्यू का चार्ज, तो सारे आयंस का अगर निकाल के क्यू से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल निगेटिव चार्ज पता चल जाएगा कि नहीं, तो क्यू इंटू एन ए, एन ए कंसंट्रेशन है पर सेंटीमीटर क्यूब इतने आयंस हैं, तो अगर पूरा वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं सेंटीमीटर क्यूब से, जितना वॉल्यूम है कितने में, यहां पर डिप्लीशन विड्थ कितनी है पी साइड में, जितने में निगेटिव आयंस प्रेजेंट है, एक्सपी विड्थ है कितनी, विड्थ है P साइड में डिप्लीशन विड्थ कितनी है जहां पे निगेटिव आयंस है, XP है, तो XP इंटू A क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, यहां पे एरिया क्रॉस सेक्शन यहां पे A होगा और ये, तो एरिया और XP से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया वॉल्यूम, तो इतने वॉल्यूम में कितने आयंस होंगे, एन ए आयंस थे एक सेंटीमीटर क्यूब में, तो इतने वॉल्यूम में इतने आयंस, और हर आयन पे एक आयन पे क्यू का चार्ज, तो टोटल जितने आयंस है इसमें इतने का चार्ज आ जाएगा कि नहीं, और Q प्लस क्योंकि एक निगेटिव आयंस यहां आता है तो एक पॉजिटिव आयंस यहां, तो इतने टोटल निगेटिव आयंस आ गए और उन पे कितना चार्ज हो गया Q हर पे, और टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने होंगे, ND है क्या कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस ऑन N साइड, है ना, पॉजिटिव आयंस ND पर सेंटीमीटर क्यूब में इतने हैं, तो XN इंटू A जो वॉल्यूम है, यहां पर विड्थ कितनी है XN जितने में आयंस प्रेजेंट है, तो उसमें उसका वॉल्यूम कितना हुआ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इतना, तो इतने टोटल आयंस हो गए, टोटल आयंस हो गए हर पे कितना चार्ज क्यू, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू टोटल निगेटिव चार्ज की नहीं, मैंने बताया था कि एक होल जाएगा तो एक निगेटिव आयन छोड़ेगा और एक वहां से इलेक्ट्रॉन गैप करके एक पॉजिटिव चार्ज, तो अगर 10 गए तो यहां 10 निगेटिव आयन और साथ में यहां 10 पॉजिटिव चार्ज, इसी तरह से यहां 10 इलेक्ट्रॉन गए तो 10 पॉजिटिव चार्ज छोड़ के गए और 10 होल को गायब करेंगे तो 10 निगेटिव चार्ज, तो जितने टोटल निगेटिव चार्ज यहां आएंगे इतना टोटल पॉजिटिव चार्ज इस साइड, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, क्यू माइनस मस्ट बी इक्वल टू क्यू प्लस, यहां से एक रिलेशन आ जाएगा क्यू एन ए XP into A is equal to Q ND XN into A, Q और A कैंसिल हो गया,
तो बचा क्या, ये रिलेशन याद रखो, एक्सेप्टर कंसंट्रेशन ऑन पी साइड इनटू जो डिप्लीशन विड्थ है ऑन पी साइड मस्ट बी इक्वल टू डोनर कंसंट्रेशन ऑन एन साइड, या डोनर आयंस वही हो गए, इनटू डिप्लीशन विड्थ ऑन एन साइड, ये दोनों बराबर होते हैं। तो एन डी इधर का लिया तो इनटू एक्सएन कर दो मस्ट बी इक्वल टू, एन ने इधर का लिया तो इधर की डिप्लीशन विड्थ एक्स पी से मल्टीप्लाई कर दो, दिस मस्ट बी इक्वल, मतलब एक्स पी साइड में एन ए है, एन ए इंटू डिप्लीशन विड्थ एक्स पी मस्ट बी इक्वल टू एन साइड एन डी है, तो एन डी इंटू एक्स एन के बराबर होना चाहिए। ये चार्ज जो आपका कितने कैसे डिवलप हो रहे हैं, कैसे क्रिएट हो रहे हैं, उससे ये रिलेशन आ गया, ये रिलेशन आगे यूज करेंगे, ठीक है। तो एक ये रिलेशन याद रख लो, ठीक है। अब दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट, अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कहां बनाया, यहां पे मैक्सिमम है। अगर ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आयंस कहां पे हैं, इसी डिप्लीशन रीजन में, और इसके बाद क्या पी साइड मटेरियल न्यूट्रल है, एन साइड भी न्यूट्रल है, क्योंकि यहां होल्स होंगे उतने निगेटिव आयंस होंगे वो न्यूट्रल कर देंगे, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और पॉजिटिव आयंस होंगे न्यूट्रल होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इस डिप्लीशन रीजन में है। इसीलिए ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इन पी एन जंक्शन इज मैक्सिमम एट द जंक्शन, और होती कहां से कहां है, एन टू पी, इसीलिए अपोज करती है मेजोरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो को अक्रॉस द जंक्शन, और सपोर्ट करती है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो को फ्रॉम एन टू पी, इसीलिए नेट ड्रिफ्ट करंट एन टू पी आती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। अब ध्यान से देखना, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाई इट इज मैक्सिमम एट जंक्शन एंड डिक्रीजिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन, इसको भी समझ लेते हैं। अब देखो यहां पे जब चार्ज रखोगे एकदम जंक्शन पे, तो यहां इतने बहुत सारे पॉजिटिव आयंस हैं जो इसको रिपेल करेंगे, N to P इस तरफ रिपेल करेंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है, और जितने निगेटिव आयंस हैं सारे इसको अट्रैक्ट करेंगे, तो मैक्सिमम फोर्स इस तरफ और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, पॉजिटिव एक एक कूलम का पॉजिटिव चार्ज लो उस पर जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और वही मैग्नीट्यूड जितने तेजी से रिपेल कर। अब मैं कहूं यहां पर अगर ले लो पॉजिटिव चार्ज, यहां पर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। अब यहां पे ध्यान से देखो पॉजिटिव चार्ज रिपल कर रहे हैं लेकिन डिस्टेंस बढ़ गई है तो रिपल कम कर पा रहे हैं, और देखो यहां पे जो ये बीच में आ गया तो ये वाले निगेटिव आयंस इधर वाले इसको अट्रैक्ट भी करेंगे इस तरफ और ये वाले इसको इस तरफ, तो जो अट्रैक्शन की वजह से नेट फोर्स एक ही डायरेक्शन में आ रहा है अब वो पहले से कम हो जाएगा, रिपल्सन इसी डायरेक्शन में पहले से कम, एक अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि बीच में चार्ज है और बाकी निगेटिव वाले इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स अगर देखोगे तो इस डायरेक्शन में तो होगा लेकिन ये वाला कम हो गया और ये वाला नेट भी कम हो जाएगा क्योंकि इस तरफ भी है और थोड़ा इस तरफ भी है, तो ये वाला पहले से कम हो गया तो नेट फोर्स घटेगा कि नहीं। इसी तरह से इस तरफ ले लो पॉजिटिव आयंस के बीच में, तो क्या होगा जो निगेटिव आयंस है उनका अट्रैक्शन डिस्टेंस बढ़ने की वजह से क्या हो गया, डिस्टेंस बढ़ने की वजह से उनका अट्रैक्शन कम हो गया इस डायरेक्शन में, अब पहले से कम, और यहां पे देखो आधे पॉजिटिव आयंस इसको रिपेल करेंगे इस डायरेक्शन में और आधे इस तरफ वाले करेंगे इस डायरेक्शन में, तो जो नेट रिपल्सन है जो इस डायरेक्शन में बहुत ज्यादा होता था यहां मिड में रखने पे वो अब पहले से कम हो जाएगा नेट रिपल्सन, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो जो नेट फोर्स है घटेगा। इसीलिए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैक्सिमम फोर्स कहां पे होगा, एट द जंक्शन, तो आप कहते भी हो जो बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज मैक्सिमम एट द जंक्शन एंड डिक्रीजेज ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन एंड आउटसाइड द जंक्शन इट इज जीरो, क्योंकि आउटसाइड द जंक्शन ये न्यूट्रल हो गया, कोई चार्ज ही नहीं है जो फोर्स लगा पाए, तो आउटसाइड द जंक्शन इसकी वैल्यू जीरो होती है। तो जो बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है केवल डिप्लीशन रीजन के क्रॉस होता है और वहां पे मैक्सिमम कहां होता है, जंक्शन, और ये माइनस क्यों बनाया है, ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स, इसको माइनस क्यों दिखाया है, क्यों, क्योंकि ये एन टू पी है, अगर ये प्लस होता तो इसको ऊपर दिखाते, कहां पे ऊपर दिखाते, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, माइनस है, माइनस है तो माइनस को कैसे दिखाते हो, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में आप किसी चीज को दिखा रहे हो तो प्लस उसका मैग्नीट्यूड है, मैं कहूं उसका प्लस टू मैग्नीट्यूड है तो यहां दिखाओगे, माइनस टू है उसका मैग्नीट्यूड तो यहां दिखाओगे कि नहीं, तो ये डायरेक्शन इसकी एन टू पी है तो इसको क्या ले रहे हैं, निगेटिव, निगेटिव है इसीलिए इसको एक्स एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस ये है और ये मैग्नीट्यूड वाली एक्सिस वाई है, तो वाई अगर प्लस होता तो इधर दिखाते, माइनस है तो किधर दिखाएंगे, नीचे की तरफ है ना, तो ये एन टू पी की वजह से है, एन टू पी की वजह से ये किस तरफ है, नीचे, अगर ये पी टू एन होता पॉजिटिव डायरेक्शन जिसको ले रहे हैं पी टू एन तो इसको हम ऊपर दिखाते, एन टू पी है तो इसको कहां दिखाया, नीचे दिखाया, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इस पर भी क्वेश्चन एक आया हुआ है कि वो इसका ग्राफ प्लॉट करके पूछ रहे हैं कौन पी है कौन एन है, किस साइड पी है किस साइड एन है, तो आपको पता होना चाहिए एन टू पी है तो एन टू पी हमेशा लगता है, अगर वो माइनस एक्स डायरेक्शन में तो इसको नीचे दिखाओगे, अगर वो प्लस एक्स डायरेक्शन में तो ऊपर, अगर मैं इसी को ऊपर दिखा दूं, कह दूं इसको ऐसे दिखा दूं तो अगर यही ग्राफ आ जाता ऊपर वाला तो मैं क्या कहता, इस साइड एन होगा इस साइड पी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बिल्ट होगा हमेशा पी एन जंक्शन में एन टू पी बिल्ट होगा, ये याद रखो,
क्योंकि जो फ्लो होगा उसकी वजह से पॉजिटिव आयन हमेशा एन साइड आएंगे, निगेटिव आयन हमेशा पी साइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव आयन से निगेटिव आयन की तरफ होगी, तो एन टू पी। तो एन टू पी ये पॉजिटिव आ गया तो इसको किस तरफ दिखाओगे? ऊपर। तो अगर ये ऊपर दिखाया है तो एन इधर है, पी इधर है। अगर ये नीचे दिखाया है तो एन इधर है, पी इधर है। हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीजें अगर बेसिक्स क्लियर नहीं हो तो आप गलतियां करते हो, ठीक है। तो अब एक और चीज डेरिवेशन देखते हैं, एक रिलेशन। जब अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करने जा रहा हूं, ये लीनियर ही मैंने क्यों दिखाया है, और ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से दो तीन क्वेश्चन मैंने देखा आया हुआ है और बहुत सिंपल। एक रिलेशन हम पढ़ेंगे, पॉइसन रिलेशन क्या कहता है, ये रिलेशन कहां से आया है, और यहीं से मैं W की भी डेरिवेशन कर दूंगा और इसकी भी डेरिवेशन कर दूंगा। बस यहीं पे बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। बस एक बचेगा फॉरवर्ड बायस डायोड वाला इक्वेशन, उसको जब डिराइव कर दूंगा तो यहाँ के बस EDC वाले क्वेश्चन करने बचेंगे, है ना। तो ये चीज अब इसी में देखते हैं, जल्दी से करें। पॉइसन क्या कहता है, पॉइसन इक्वेशन क्या कहती है, ग्रेडियंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेडियंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड DE/dx इज इक्वल टू नथिंग बट Q बाई एप्साइलन, एप्साइलन परमिटिविटी होगी, एप्साइलन जीरो एप्साइलन आर, इन टू डेंसिटी, डेंसिटी मतलब कंसंट्रेशन लेना है, डेंसिटी ऑफ चार्ज, नेट चार्ज, डेंसिटी ऑफ चार्ज या चार्ज डेंसिटी, है ना, नेट चार्ज डेंसिटी, नेट चार्ज डेंसिटी, है ना, कितनी है। किसी भी रीजन में अगर आपको ग्रेडियंट निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, यही मास कैपेसिटर में रिलेशन यूज होगा, यही बहुत जगह रिलेशन यूज होता है जहां से इजीली आप डेरिवेशन कर सकते हो। रट्टा मारोगे तो रट्टा मारते रहोगे, ठीक है। ये होता है DE/dx। अब देखो मैं इस रीजन में लिखने जा रहा हूं जीरो टू xn, जीरो टू xn में लिखता हूं इसी रिलेशन को, DE/dx क्या होगा, क्यू बाई एप्साइलन। अब जीरो टू xn में देखो क्या है, एनडी आयंस है, डेंसिटी लिखना है, एनडी आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब है, कौन से, पॉजिटिव आयंस, तो पॉजिटिव आयंस है तो पॉजिटिव, यहां साइन के साथ इसको लिखना है। अगर निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज लेना है, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव। तो यहां पॉजिटिव आयंस है कितने, एनडी पॉजिटिव आयंस है पर सेंटीमीटर क्यूब, आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब लेना है, तो पॉजिटिव आयंस कितने हैं, डोनर आयंस है, डोनर का कंसंट्रेशन कितना है, एनडी पर सेंटीमीटर क्यूब, तो एनडी आयंस है पर सेंटीमीटर क्यूब पॉजिटिव आयंस, तो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव, प्लस साथ में क्या है, माइनॉरिटी में यहाँ होल्स भी तो है, मैंने कहा था होल्स तो गायब नहीं हुए, कितने होल्स हैं, अगर होल्स देखोगे तो वो कितने हैं, Ni²/ND, इतने ही होल्स तो हैं वहां पे, या इसी को लिख सकते हो होल्स ऑन एन साइड, इसी को तो पी एन कहते हैं, मैं उसको ब्रैकेट में लिखा हूं, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, पी एन होल्स यहाँ है यही, ठीक है, इसी को पी एन होल्स, बट दिस Ni²/ND इज मच मच स्मॉलर देन ND, तो इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये कब लिख रहे हो इसको, इसको इक्वेशन को तभी लिख सकते हो जीरो टू कहां तक, xn। तो DE/dx इज नथिंग बट क्यू अपॉन एप्साइलन इंटू क्या, एनडी। ये आ गया पहला इक्वेशन। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन लिखते हैं DE/dx। अब ध्यान से देखो, एनडी तो डोपिंग कंसेंट्रेशन कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, एप्साइलन कांस्टेंट है, क्योंकि मटेरियल ले लिया तो क्या है, वो कांस्टेंट है। तो अगर किसी चीज का स्लोप, ये क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, किसी चीज का स्लोप अगर कांस्टेंट है तो वो वेरी कैसे करेगा, लीनियरली। तो ध्यान से देखो, E नॉट इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और इसका स्लोप कितना है, Q बाई एप्साइलन इंटू एनडी आ गया कि नहीं, इसी लाइन को मैंने दिखाया था जीरो टू xn में, इसका स्लोप कितना है, Q अपॉन एप्साइलन इंटू एनडी DE/dx x के साथ, ये मैक्सिमम है, और ये पॉजिटिव स्लोप है कि नहीं, इस तरह से पॉजिटिव स्लोप होता है, इस तरह से निगेटिव, तो ये बढ़ते बढ़ते माइनस वैल्यू से, अब ये बढ़ रहा है तो माइनस वैल्यू से बढ़ के कहां जाएगा, जीरो हो जाता है ना, तो माइनस से बढ़ते बढ़ते क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। इसी तरह से DE/dx मैं लिखूं किस रीजन में, माइनस xpo टू जीरो, माइनस xp x, ये ओरिजिन मान रहा हूं मैं, है ना, ये ओरिजिन मान रहा हूं जंक्शन को, माइनस xp टू जीरो क्या होगा, Q/ε, चार्ज डेंसिटी यहां पे Na नेगेटिव आयंस हैं पर सेंटीमीटर क्यूब, माइनस कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनॉरिटी में कितने, Ni²/ क्या, Na, बट दिस Ni²/ND इज मच मच स्मॉलर, तो यहां पे माइनस क्यू अपॉन एप्साइलन इंटू एनए में लिख सकता हूं कि नहीं, DE/dx इज नथिंग बट माइनस क्यू अपॉन एप्साइलन एनए, माइनस xp से लेके कहां तक, जीरो तक। अब देखो ये माइनस स्लोप है, ये कांस्टेंट है कि नहीं, क्यू अपॉन एप्साइलन कांस्टेंट है, डोपिंग तो आपने फिक्स कर रखी है, ये भी कांस्टेंट है, तो दिस स्लोप इज कांस्टेंट, कोई सी चीज का स्लोप कांस्टेंट है तो वो लिनियरली वेरी करेगा, लिनियरली वेरी करेगा, लेकिन कैसा स्लोप है, निगेटिव, तो ऐसी लाइन आएगी, तो देखो इस तरह का, यहाँ जीरो से ये घटते हुए कहाँ आ रहा है, माइनस E0, तो ये निगेटिव स्लोप है कि नहीं, घट रही है वैल्यू, निगेटिव स्लोप में आप जैसे x को बढ़ाते हो वैल्यू घटेगी, अगर मैं कहूँ y इज इक्वल टू क्या है, -2x, तो x बढ़ाओगे तो y घटेगा, x बढ़ाओगे तो
वाई घटेगा, एक्स घटाओगे तो वाई बढ़ेगा। तो यहाँ देखो एक्स को मैं इस डायरेक्शन में बढ़ा रहा हूँ तो वाई जो ई है वो घट रहा है। कौन चेंज हो रहा है एक्स के साथ? ई, ई ही तो वाई है और एक्स है एक्स, तो इस डायरेक्शन में मैं बढ़ रहा हूँ यहाँ से यहाँ, तो एक्स बढ़ रहा है और वाई क्या हो रहा है? घट रहा है, वाई घट रहा है, ये ई घट रहा है ई नॉट पे, ठीक है। तो माइनस क्यू अपन एप्सिलॉन इनटू एन ए इसका क्या है? स्लोप। अब देखो यहाँ से एक रिलेशन मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जगह है यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ सीखनी थी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ध्यान से देखना, बहुत सारी चीज़ें फिर सिंपल आपको लगेंगी ध्यान से। डिटेल कोर्स में तो इसको बहुत आराम से बहुत अच्छे से करने वाले हैं हम ना, तो आपको मज़ा आ जाएगा एकदम। अब देखो ध्यान से क्या है, अब अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट का डेरिवेशन करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि आपसे पूछा क्या जाता है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ये लिखने आपको आना चाहिए। तो मैं किसी एक रिलेशन से कर देता हूं, डी बाई डी एक्स कितना है, एक वी नॉट का रिलेशन भी निकालूंगा और एक यहां से ई का भी रिलेशन। डी बाई डी एक्स इज नथिंग बट क्यू अपॉन एप्सिलॉन इनटू एन डी फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो टू क्या एक्सएन। अब यहां से देखो डी अगर मैं लिख सकता हूं क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन एन डी इनटू क्या डी एक्स। अब मैं यहां पे इंटीग्रेशन कर दूं तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, अगर मैं यहां ई को मैं ऑलरेडी माइनस ले रहा हूं तो अपने आप मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ये माइनस ई नॉट में मान लेता हूं, अगर आप ई नॉट लोगे तो ये अपने आप माइनस साइन के साथ आ जाएगा, मतलब ये एन टू पी है। तो मैं ऑलरेडी माइनस ई नॉट ले रहा हूं तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। माइनस ई नॉट से क्योंकि ये निगेटिव है तो इसको मैंने ई नॉट इसका मैग्नीट्यूड है, और माइनस साइन क्योंकि ये नीचे की तरफ है, माइनस ई नॉट से जीरो इसमें देखो इस इक्वेशन में, तो लिमिट लगा रहे हैं, ये इक्वेशन कब वैलिड है, जीरो टू एक्सएन, तो ये माइनस ई नॉट टू जीरो, और यहां पे एक्स कहां से कहां वैरी कर रहा है, जीरो टू एक्सएन, ठीक है। तो यहां से देखना इसको करोगे तो आपका आ जाएगा ई नॉट इज इक्वल टू, क्योंकि डी इज इक्वल टू ई जीरो माइनस ई नॉट टू जीरो, जब लिमिट लगाओगे तो जीरो माइनस माइनस ई नॉट आ जाएगा, और यहां से क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन एन डी तो है ही जीरो टू एक्सएन, डी एक्स का एक्स आएगा और उसको करोगे तो ये एक्सएन आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डेरिवेशन आ गया, और यही ई नॉट किसके बराबर हो जाएगा, कैसे लिखना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन इनटू, अगर एन डी लिख रहे हो तो किस साइड की डिप्लीशन विड्थ लेनी है, एन साइड की विड्थ लेनी है, डिप्लीशन विड्थ कितनी एक्सएन है, इज इक्वल टू, इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं ये ई नॉट का मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये है कहां एन टू पी, मैंने माइनस ई नॉट इसीलिए ले लिया तो मैग्नीट्यूड आएगा, इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं कि नहीं एन इन टू एक्स पी, अभी आपने कहा था एन डी इन टू एक्सएन, अगर एन डी ले रहे हो और उसकी साइड का विड्थ और एन ए ले रहे हो तो उसके पी साइड का जो डिप्लीशन विड्थ है एक्स पी, ये दोनों इक्वल होते हैं जो चार्ज डेंसिटी से हमने डेरिवेशन किया था। तो ये तो दोनों तरह से निकाल सकते हो, जो इन्फॉर्मेशन गिवन हुई होगी, क्यू एप्सिलॉन एन डी ले रहे हो तो उस तरफ का डिप्लीशन विड्थ एन साइड का, एन ए ले रहे हो तो किस तरफ का डिप्लीशन विड्थ पी साइड का जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, क्योंकि इस वाली लाइन से आप निकालते ई नॉट की वैल्यू तो यही आ जाती, तो वो डेरिवेशन मैं करने नहीं जा रहा हूं, यहां से सीधे सीधे आंसर। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन फिर एन डी इंटू एक्सएन या एन ए इंटू एक्स पी, एन डी लेना है तो एक्सएन एन साइड का डिप्लीशन विड्थ, और अन्य ले रहे हो पी साइड वाला तो पी साइड के डिप्लीशन विड्थ एक्स पी ले लो, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट का कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो अब एक चीज और देखो डिराइव क्या करने जा रहा हूं मैं, छोटे छोटे डेरिवेशन है ये आपको पता होना चाहिए, और ये पॉइसन रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पे अगर केवल यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब वो न्यूट्रल रीजन ना हो, या तो पॉजिटिव आयंस डिस्ट्रीब्यूटेड हो या निगेटिव आयंस डिस्ट्रीब्यूटेड हो या निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो यूनिफॉर्मली, जो फिक्स चार्ज हैं, तो वहां पे कभी भी आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए तो ये पॉइसन रिलेशन इज वेरी हेल्पफुल, और इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, मैं करवाऊंगा, आप देखोगे कितना सिंपल है, डी बाई डी एक्स इज नथिंग बट क्यू अपॉन एप्सिलॉन इनटू चार्ज डेंसिटी उस रीजन में, और अगर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब यूनिफॉर्म है, वो एक्स के साथ वेरी नहीं करती, जैसे मैंने एनडी लिया था चार्ज डेंसिटी, ND is per centimeter cube, वो x के साथ वेरी कर रहा था क्या, चाहे मैं यहां पे लूं x is equal to 0 पे, x is equal to 1, x is equal to 2, हर जगह concentration charge density की कितनी है, ND ही है, अगर वो uniformly distributed है, तो q upon epsilon into ND, तो जो d by dx आएगा gradient in electric field, dx के साथ वो क्या आएगा, constant आएगा, constant आएगा मतलब electric field vary कैसे करेगी उस region में, linearly change होगी, कहीं पे maximum कहीं पे minimum linearly change होगी, ठीक है। तो ये Poisson relation will be वेरी हेल्पफुल, आप उठा के देखोगे क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आपने समझ लिया तो अभी भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो। अब ध्यान से देखो एक और चीज पढ़ लेते हैं, तो सारी चीजें पढ़ने के बाद क्वेश्चन, ताकि इजीली समराइज हम करेंगे। अब ध्यान से देखना एक और चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूं,
अब वी नॉट का डेरिवेशन इन द टर्म्स ऑफ ई नॉट, क्योंकि कई बार ये भी आ सकता है। ये देखो यहां पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं कहूं ई इज नथिंग बट माइनस डीवी बाई डीएक्स होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कहीं पे भी स्लोप निकाल दें तो वहां पे पोटेंशियल पता चल जाएगा। यहां पे स्लोप से यहां पे पोटेंशियल पता चल जाएगा, इस पॉइंट पे स्लोप से यहां पे, इस पॉइंट पे यहां से, ठीक है। अब देखो यहां ध्यान से, तो डीवी बाई डीएक्स ई के स्लोप से नहीं पता चलेगा, वी के स्लोप से ई पता चलेगा, ठीक है, मैंने उल्टा बोल दिया, ठीक है। तो यहां का स्लोप तो किस पे डिपेंड कर रहा है, पॉइसन रिलेशन से यहां पे स्लोप आया ना, तो ये स्लोप इसका स्लोप कांस्टेंट है, इसीलिए ई कैसे वेरी कर रहा है इस रीजन में, लीनियरली। यहां ध्यान से देखो इंटीग्रेशन से आएगा वी, क्योंकि माइनस डीवी बाई डीएक्स है, तो माइनस डीवी इज इक्वल टू ई डीएक्स लिख सकते हैं हम। अब ध्यान से देखो माइनस डीवी मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूं, माइनस साइन बाहर ले लो, माइनस साइन बाहर ले लो। मैं मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूं तो मैं ऐसे लूंगा कि मैग्नीट्यूड आए, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो यहां पे क्या है, माइनस डीवी, अब आपका वोल्टेज क्या है इनिशियल, यहां से यहां मैं अगर वेरी कर रहा हूं, यहां से यहां अगर वेरी कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं मुझे किस में इंटरेस्ट है, मैग्नीट्यूड में। अगर वो माइनस साइन के साथ आ गया तो उसका होगा कि वो एन टू पी है। तो अगर आप मान लेते हो यहां से यहां माइनस डीवी इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस डीवी क्या देगा, टोटल वोल्टेज देगा अक्रॉस दिस डिप्लीशन रीजन, यही तो प्लस माइनस वी नॉट है। अगर मैं डीवी को इंटीग्रेट कर दूं कहां से इस रीजन में, डीवी को अगर इंटीग्रेट कर दूं तो ये इसके अक्रॉस टोटल वोल्टेज दे देगा कि नहीं। अगर मैं ई को इंटीग्रेट कर रहा हूं, देखो यहां पे ई डीएक्स, इसको कहां से कहां इंटीग्रेट कर रहा हूं, माइनस एक्सपी से लेके एक्सएन तक, अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो ई डीएक्स क्या देगा, इस रीजन एक्सपी से एक्सएन रीजन के अक्रॉस टोटल वोल्टेज वी दे देगा कि नहीं। डीवी का इंटीग्रेशन टोटल वोल्टेज वी है ना, तो डीवी का इंटीग्रेशन टोटल वोल्टेज वी, और मैंने इंटीग्रेट कहां से कहां किया, माइनस एक्सपी से एक्सएन, तो ये वाला वोल्टेज देगा कि नहीं, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो आ जाएगा। किसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा, इसके अक्रॉस आएगा वोल्टेज, क्योंकि मैंने वी को इंटीग्रेट कर दिया। तो मैं मान लेता हूं ये माइनस क्या कितना आएगा, यहां इसके अक्रॉस कितना टोटल वोल्टेज है, V नॉट है इसके क्रॉस, इस जंक्शन के क्रॉस टोटल वोल्टेज एक्सपी से एक्सएन के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, डीवी का इंटीग्रेशन V नॉट, वो आ गया। अब यहां से देखो ई डीएक्स क्या देगा, वाई डीएक्स क्या देता है, एरिया देता है। तो यहां से ग्राफ आपको पता है कि नहीं, ये एरिया देगा कि नहीं, ग्राफ आपको तो पता है ये एरिया देगा। तो अगर या तो इस इंटीग्रेशन को दो भाग में ब्रेक करो, माइनस एक्सपी टू जीरो ये वाली लाइन का इक्वेशन लिखो इंटीग्रेट करो, फिर जीरो टू एक्सएन में ये वाली लाइन का इक्वेशन लिखो इंटीग्रेट करो, लेकिन ये देता क्या है टोटल एरिया, और टोटल एरिया इस ट्राइंगल का आप लिख सकते हो कितना होगा बताओ, वन बाई टू इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ई नॉट, और टोटल विड्थ, टोटल विड्थ कितनी है, इसी को कहते हैं डिप्लीशन विड्थ, जो एक्सपी ऑन पी साइड है, एक्सएन ऑन एन साइड, हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, टोटल लेंथ ले रहे हैं। तो यहां माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं, ये माइनस साइन क्यों लगाया था, क्योंकि ओरिजिन से मेजर कर रहे थे तब, लेकिन अगर टोटल विड्थ लेंगे, विड्थ मतलब वो तो मैग्नीट्यूड होगा, तो एक्सपी विड्थ इतनी यहां पे है, एक्सएन विड्थ यहां पे है, तो एक्स प्लस एक्सएन, जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तब माइनस और प्लस साइन ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो एक्स के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो अगर कहूंगे पी साइड डिप्लीशन विड्थ कितनी है, एक्सपी है, माइनस साइन थोड़ा लगाएंगे, इतनी विड्थ है, मैग्नीट्यूड लेंगे, इतनी विड्थ इधर है, तो टोटल विड्थ कितनी, ये तो वन बाई टू ई नॉट इंटू ये हाइट इंटू विड्थ डब्ल्यू, यहीं से W का फॉर्मूला आ गया, और ये क्या आएगा, ये माइनस ई नॉट है, तो इस तरह से माइनस माइनस कैंसिल, V नॉट की वैल्यू, मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है, साइन तो आप हमेशा देख सकते हो कहां से कहां है, साइन तो आपको ऑलरेडी पता है, V नॉट इज नथिंग बट वन बाई टू ई नॉट डब्ल्यू, वन बाई टू ई नॉट डब्ल्यू है ना। अब ई नॉट और वी नॉट का फार्मूला, तो कभी भी आपको वी नॉट पता हो, कभी भी आपको ई नॉट पता हो, तो डब्ल्यू की वैल्यू यहां से भी निकाल सकते हो, वी नॉट इज नथिंग बट वन बाई टू ई नॉट डब्ल्यू, कहीं कहीं इसका यूज करना पड़ेगा। और डब्ल्यू का एक और डेरिवेशन, जब इसी फार्मूले का यूज करके डब्ल्यू का डेरिवेशन करोगे, वी नॉट की वैल्यू के टी अपान क्यू एल एन 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 डी अपान एन आई स्क्वायर रख दोगे, यहां से ये रख दोगे, सारी चीजें सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे, तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आती है बताओ, डब्ल्यू इज नथिंग बट 2 एप्साइलन अपान क्यू 1 अपान एन ए प्लस 1 अपान एन डी वी नॉट के टर्म में, 1 अपान एन ए प्लस 1 अपान एन डी इंटू वी नॉट, और ये इक्विलिब्रियम पे डिप्लीशन विड्थ है, किस पे विड्थ है, ये इक्विलिब्रियम पे डिप्लीशन विड्थ है, यहीं से वो आएगा। ई नॉट की वैल्यू आप रख सकते हो ना q अपान एप्साइलन एन डी इंटू क्या xn, nd into xn लिख सकते हो, तो यहीं से वो रिलेशन डिराइव होके आता है, जब v नॉट को लोगे 1 बाई टू क्यू अपान एप्साइलन nd into क्या xn into w। अब xn को आप किसके टर्म में लिख सकते हो, अब ध्यान से देखना,
एक और डेरिवेशन मैं यहीं पे कर देता हूं जो आपके काम का है, एक और डेरिवेशन यहीं कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी और रिलेट भी करनी है, ठीक है। यहीं से ये रिलेशन आता है, मैंने बताया। अब यहां पे एनडी ये सब तो नोन है, एक्सएन और डब्ल्यू में आपस में रिलेशन है क्योंकि डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्सएन प्लस एक्सपी है। तो एक्सएन को डब्ल्यू के टर्म में रख दूं तो यहीं से ये रिलेशन आता है। देखो एक्सएन और एक्सपी को डब्ल्यू के टर्म में आप कैसे लिखते हो, ये भी चीज आपको सीखना जरूरी है। और यहां से एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आएगी, मैं यहीं पर एनालाइज करा देता हूं, फिर इस लेक्चर को बाइंड अप करेंगे, फिर फॉरवर्ड बायस डायोड की एनालिसिस करेंगे अगले लेक्चर में, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, है ना। और जंक्शन कैपेसिटेंस वाला क्वेश्चन तो बाद में हम कर सकते हैं, जंक्शन कैपेसिटेंस का बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है वो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, फॉरवर्ड बायस और जंक्शन कैपेसिटेंस अगले लेक्चर में, फिर सारी चीजें खत्म। W = xn + क्या होता है, xp। अब ध्यान से देखना, आपने एक चीज रिलेशन पढ़ा था nd * xn = nd * na * xp, ठीक है, nd into xp। अब ध्यान से देखो, अगर मुझे xn चाहिए w के टर्म में तो मैं क्या करूं, xn प्लस xp की वैल्यू xn के टर्म में यहां से लिख देता हूं। कैसे लिख दूं, nd अपॉन na, यहीं से मैं फार्मूला भी याद करा दूंगा xn। अब यहां से देखो xn की वैल्यू आ जाएगी आपकी w into क्या आ जाएगी, na अपॉन na प्लस nd, na प्लस nd। इसी तरह से जब xp निकालोगे यहां पे इस इक्वेशन में, xp xn की जगह क्या रख दोगे, xn की जगह na अपान nd इंटू xp, तो xp कुछ नहीं आएगा, na अपान na इंटू nd अपान na प्लस nd। तो xn और xp को w के टर्म में निकाल सकते हो, यही वैल्यू xn की यहां रख दोगे, यहां xn की वैल्यू रख दोगे, फिर यहां से निकालोगे तो ये डेरिवेशन आएगा w का v नॉट के टर्म में, कॉन्टेक्ट पोटेंशियल के टर्म में। और जब रिवर्स बायस बढ़ाएंगे तो W क्या डिपेंड कर रहा है, V नॉट पे। अगर V R, अगर हम रिवर्स बायस लगाएंगे V R, तो प्लस माइनस नेट वोल्टेज V नॉट प्लस V R ऐड हो जाएगा, तो यही डिप्लीशन विड्थ में V नॉट की जगह क्या आ जाएगा, V नॉट प्लस V R, ठीक है। तो इसीलिए रिवर्स बायस बढ़ाने पर डिप्लीशन विड्थ क्या होती है, बढ़ती है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां से एक एनालिसिस करते हैं, एक एक्सएन से, एक्सएन और एक्सपी से एक एनालिसिस करते हैं, फिर इस लेक्चर को बाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फॉरवर्ड बायस डायोड पढ़ेंगे। और ये वाली चीज आपने पढ़ी है, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। रिवर्स बायस बढ़ाओगे तो रिवर्स बायस भी इस तरफ प्लस होगा, इस तरफ माइनस एन साइड, तो वी नॉट और वी आर एड हो जाएंगे, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, पहले से ये क्या हो जाएगा, विड्थ बढ़ जाएगी वी नॉट प्लस वी आर के रेशियो में। लेकिन डिप्लीशन विड्थ क्या दोनों साइड हमेशा इक्वल रेशियो में होगी, कि आधा मैं कहूं यहां 0.5 माइक्रोमीटर है, यहां 0.5 माइक्रोमीटर, ऐसा नहीं होगा। डिप्लीशन विड्थ एक साइड ज्यादा हो सकती है, एक साइड कम, दूसरी साइड ज्यादा हो सकती है, पहले साइड कम, या दोनों साइड इक्वल, कुछ भी पॉसिबल है, वो डिपेंड करेगा इस रिलेशन पे। और इस रिलेशन में अगर ध्यान से देखो तो क्या चीज है, इस रिलेशन को अगर ध्यान से देखो तो इसमें क्या चीज है, पॉइसन रिलेशन ध्यान से याद रखना, उसका मैं यूज कई जगह सिखाऊंगा। अगर आप ध्यान से देखो, इसका डिस्कशन करके इस लेक्चर को बाइंड अप करते हैं, एनए अपान कैसे लिखना है एक्सएन और एक्सपी को इन द टर्म्स ऑफ टोटल डिप्लीशन विड्थ, एनडी अपान कुछ नहीं करना है। देखो ध्यान से इसको मैं पहले लिखना सिखा देता हूं। अगर एन साइड की डिप्लीशन विड्थ लिखनी है तो टोटल डिप्लीशन विड्थ मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है, एन साइड की लिखनी है तो दूसरे साइड का लो, पी साइड का कंसंट्रेशन लो, पी साइड का डोपिंग कंसंट्रेशन एन ए अपान टोटल कंसंट्रेशन एन ए प्लस एन डी। इसी तरह से एक्सपी लिखना है तो टोटल डिप्लीशन विड्थ का वो कितना पोर्शन है, डब्ल्यू इंटू किस साइड का लेना है आपको, किस साइड का आपको लेना है वो कंसंट्रेशन, दूसरे साइड का। अगर पी साइड का लिख रहे हो तो ऊपर क्या आएगा, एन साइड का डोनर कंसंट्रेशन एन डी अपॉन टोटल कंसंट्रेशन, एन साइड का लिख रहे हो तो डब्ल्यू इंटू कंसंट्रेशन ऑफ होल्स ऑन एन साइड पी साइड अपॉन टोटल। तो कैसे लिखना है, एन साइड का लिखना है तो क्या है, डब्ल्यू इंटू दूसरे साइड पी साइड का कंसंट्रेशन एन ए अपॉन टोटल एन ए प्लस एन डी, पी साइड का लिखना है तो डब्ल्यू इंटू पी साइड का लिखना है तो ऊपर किसका लेंगे, एन साइड का एन डी अपॉन एन ए प्लस एन डी। सिंपली एन साइड का लिखना है तो डब्ल्यू इंटू पी साइड का लो ऊपर एन ए अपॉन टोटल, पी साइड का लिखना है तो एन साइड का ऊपर लो अपॉन एन ए प्लस एन डी टोटल कर देना। आप यहां ध्यान से देखो, अगर एन डी ग्रेटर देन एन ए है तब क्या होगा, और एक एन ए ग्रेटर देन एन डी। अब देखो ध्यान से, अगर एन डी ग्रेटर देन एन ए है तो ध्यान से देखना, एन डी ग्रेटर देन एन ए है तो बाकी चीजें एक्सएन, देखो ध्यान से एक्सएन क्या है, डब्ल्यू अपॉन एन ए प्लस एन डी इंटू एन ए है, और एक्सपी क्या है, डब्ल्यू अपॉन एन ए प्लस एन डी इंटू एन डी है, ठीक है। तो अगर एन डी ग्रेटर देन एन ए है तो इसमें से कौन ज्यादा होगा, कौन कम होगा, बताओ ध्यान से। ये वाला फैक्टर तो दोनों में सेम है,
अगर ND greater than NA हो गया तो XP greater than XN हो जाएगा कि नहीं, मल्टीप्लीकेशन ज्यादा से कर रहे हो यहाँ, मल्टीप्लीकेशन कम से कर रहे हो, ये फैक्टर तो दोनों में क्या है कॉमन, तो यहां से हो जाएगा XP is greater than XN, ये होगा। अभी इसकी एनालिसिस करते हैं। इफ NA greater than ND ले ले, अगर P साइड कंसंट्रेशन ज्यादा है डोपिंग कंसंट्रेशन, तो क्या होगा, NA ज्यादा है ND से तो ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा होगा इस वाले प्रोडक्ट से, तो आ जाएगा XN greater than XP। तो ध्यान से देखो, अगर डोपिंग कंसंट्रेशन N साइड ज्यादा है तो वहां पे जो डिप्लीशन विड्थ XN है वो कम है, और जहां पे डोपिंग कंसंट्रेशन कम है वहां पे डिप्लीशन विड्थ ज्यादा है। यहां पे भी देखो, डोपिंग कंसंट्रेशन कम तो XN ज्यादा, N साइड का यही तो है, डोपिंग कंसंट्रेशन ऑन N साइड एंड डिप्लीशन विड्थ ऑन, और NA अगर आपका ज्यादा है तो उस साइड पेनिट्रेशन क्या है कम है। तो हमेशा याद रखो, जिस साइड डोपिंग कंसंट्रेशन ज्यादा उधर डिप्लीशन विड्थ का पेनिट्रेशन कम, और जिस साइड आपका डिप्लीशन जिस साइड डोपिंग कंसंट्रेशन कम उस साइड डिप्लीशन विड्थ का क्या पेनिट्रेशन ज्यादा होगा। यहीं से देखो, एनडी ज्यादा है तो उस साइड पेनिट्रेशन कम, XN कम है, XP ज्यादा है, जिस साइड डोपिंग कंसंट्रेशन कम उस साइड डिप्लीशन विड्थ ज्यादा जाएगी अंदर तक, और जिस साइड ज्यादा है उस साइड कम जाएगी, ये हमेशा होगा। तो पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लीशन विड्थ विल बी हायर ऑन विच साइड, जिस साइड डोपिंग कंसंट्रेशन कम है, एंड पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लीशन विड्थ विल बी लोअर किस साइड, जिस साइड आपका डिप्लीशन आपका डोपिंग कंसंट्रेशन जिस साइड पेनिट्रेशन कम होगा मतलब उस साइड डोपिंग कंसंट्रेशन क्या है ज्यादा, जिस साइड पेनिट्रेशन ज्यादा है मतलब उस साइड डोपिंग कंसंट्रेशन क्या है कम। तो जिस साइड कम डोपिंग कंसंट्रेशन उधर पेनिट्रेशन ज्यादा, जिस साइड ज्यादा डोपिंग कंसंट्रेशन है उस साइड पेनिट्रेशन कम होगा, ये हमेशा होगा। और ये फिजिकली कैसे होता है जब मैं डिटेल कोर्स पढ़ाऊंगा तो उसमें वो चीज भी विजुलाइज कराऊंगा, अभी आप मैथमेटिकली इस चीज को देख लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, डोपिंग कंसंट्रेशन ज्यादा तो पेनिट्रेशन कम, डिप्लीशन विड्थ का कम तो ज्यादा, इसीलिए तो उस रेशियो में होता है। तो ये फार्मूला याद रखो, XN लिखना है W के टर्म में तो W इंटू N साइड का लिखना है तो दूसरे साइड का कंसंट्रेशन NA अपान टोटल, P साइड का लिखना है तो दूसरे साइड का कंसंट्रेशन N साइड का अपान टोटल, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉरवर्ड बायस डायोड के बारे में बात करेंगे और जंक्शन कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे, रिवर्स बायस जंक्शन कैपेसिटेंस, और फिर इस पे सारे क्वेश्चन करेंगे, जितनी चीजें पढ़ी हैं इसको समराइज करके मैं सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इंजॉय करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।